हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं आज फ़िश बना रही हूँ। ये मैंने प्याज डाले थे, इनको हल्का सा मैंने सोते कर लिया और उसको निकाल लिया। और अभी इसमें मैं आधे कप ऑयल में मैंने ये सूखा मेथी दाना डाला है, उसको मैं भून रही हूँ। अब ये जो मैंने प्याज सोते किए थे, वो 4-5 ग्रीन मिर्चें और टमाटर, 4 टमाटर डाल दिए। और अभी ये देखें, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, ये मैंने अभी रेडी कर ली है। और ये जो मसाला मैंने पीसा था, ये मैंने डाल दिया है। और इस मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी, और उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें सारे मसाले जाएंगे। और ये जो आपने लहसुन और अदरक देखा, ये मैं पीस के तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो तकरीबन ये मेरा 2 हफ्ते तक चलता है पीसा हुआ लहसुन और अदरक, और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखिए, टीस्पून मैंने लहसुन और टीस्पून ही अदरक ये मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ में मैं मसाले को भून रही हूँ। मसाला अच्छी तरह भुना होना चाहिए, वरना फ़िश जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए, मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 टेबल स्पून डाली हैं। और उसके बाद मैं ज़ीरा भुना हुआ और गरम मसाला, ये मैं आधा आधा टीस्पून डालूंगी। और उस अगर आप लोगों में से जो भी नमक और मिर्च ज़्यादा खाते हैं, वो अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और इसके बाद ये मसाला डालने के बाद, सारे मसाले के बाद, मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी जब तक कि इसका घी छूट ना जाए। और इसके भूनने के बाद फिर मैं इसमें फ़िश डालूंगी। आप देख रहे हैं कि अभी देखिए मसाला भुन रहा है, और अभी तक इसको मैं तकरीबन 4 मिनट तक भूनूंगी अच्छी तरह। और 4 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें मैं फ़िश डाल दूंगी। और अभी ये देखें, अभी तक इसने घी नहीं छोड़ा, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। और ये देखें, फ्रेश धनिया और ये मेथी है, ये भी मैं डालूंगी आहार में। ये फ़िश मेरी रेडी है डालने के लिए। आप देखें, घी छोड़ दिया है मसाले ने, और अब ये मेरा फ़िश जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी फ़िश को मैं डाल दूंगी, और फ़िश को डालने के बाद मैं बिल्कुल चमचा नहीं चलाऊंगी, देचके को दोनों साइडों से पकड़ के कपड़े के, तो फिर हिलाऊंगी। ऐसे मैं चमचा नहीं हिलाऊंगी, उससे क्या होता है कि फ़िश टूट जाती है, कि फ़िश को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये वाली फ़िश है, ये बोनलेस है, और इसको मैंने इस फ़िश की मैंने ये करी बनाई है। और अभी इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला है, और फिर 2-3 मिनट मैंने पकाया। और अब मैं धनिया और मेथी डाल दूंगी, और ये मेरी फ़िश रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी फ़िश पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स